रीडिंग शुरू कर दें अलवातुल राबिया की। अलवदतुर राबिया अल अस्वातु सहीहा ता दाल त्वा गौत ठीक है। आईना कहाँ फौका ऊपर तहता नीचे अमामा सामने खलफा पीछे अला पर फी में ठीक है आगे। तदरीब साबे अगले सफ़े पे ता यहाँ से पढ़ना शुरू कर दें। तीन मकतब बैठ ये अल्फाज हैं। जी ठीक है। सर तीन का क्या मतलब? तीन कहते हैं इंजील को। इंजील फिग। इंजीर को जी इंजील जो होता है ना उसको हम कहते हैं तीन। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिग। FIG फिग। तीन अंजीर मकतबुन टेबल बैतुन घर बनातुन लड़कियां समा का तुम मछली सियारा तुम गाड़ी ठीक है। टिफलुन बच्चा किता तुम बिल्ली किता तुम बिल्लियां अमशार कंघियां ठीक है। तीख मुरग हदीका तुम बाग विसादा तुम जायमाज विसादा सराना तकिया पिल्लो। सादा तुम तकिया बर्तन फूल गुलाब के फूल ये जमा है वर्दा की जमा वर्द। गुलाब के फूल जाबित पुलिसमैन यजहक दाबित कहते वो हैं हंस रहा इंस्पेक्टर है को। इंस्पेक्टर को ऑफिसर को हम दाबित कहते हैं। सर जाबित किसको कहते हैं? ऑफिसर को। सर जी चौकीदार के लिए भी यूज होता है ज़्यादा। जी जी वो तो अरबी में सही होता है। एक लफ्ज़ के कई मतलब होते हैं। उसरा पुलिस वाले के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शोरती ज़्यादा। और ये दाबित इंस्पेक्टर ऑफिसर इनके लिए बेहतर इसका मायने है सबसे ऑफिसर सबसे बेहतर इसका मतलब है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आगे यद हक। यजहक वो हंस रहा है पैजुन अंडे फाउजुन वाश बेसन वॉशिंग बेसन सिंक ठीक है। आगे आगे अइनल किताब ठीक है। किताब कहाँ है अल किताब फोकल मकतब किताब टेबल के ऊपर है अइनल किता तू बिल्ली कहाँ है अल किता तू तख्त सरीर बिल्ली चारपाई के नीचे है। ठीक सर है। शरीर लफ्ज बेड के लिए भी यूज हो सकता है। जी पलंग के लिए हम शरीर इस्तेमाल कर सकते हैं। आईना सियारा तू गाड़ी कहाँ है असियारा तू अमाम अल बैत गाड़ी घर के सामने है ठीक है। आईना सऊर बैल किधर है असऊर खल्फ सूरी बैल जंगले के पीछे है आईनल विसादा तू तकिया कहाँ है अल विसादा तू अल शरीर तकिया चार पाई पे है अइनल वर्द फूल गुलाब के फूल किधर है अल वर्द फिल हकी फिल हदीका गुलाब के फूल बाग में है। ठीक है। तदरीब इस्मा वजा अलामतन सहीहा अल सुवरतिन सहीहती सुने और सही अलामत सही तस्वीर पर लगाएं। ठीक है यानी कि टिक का निशान लगाएं सही तस्वीर के ऊपर। अला सूरत सहिया। अलबिंतु अमामत तिमसाली लड़की मुजस्मे के सामने है तो कौन सी तस्वीर पर टिक लगाएंगी? असमकत कौन सी तस्वीर पर आप टिक लगाएंगी? दो तस्वीरें सर ये पहले वाली तस्वीर पहली में लड़की मुजस्मे के पीछे है वो गलत है। हम दूसरी तस्वीर पर टिक लगाएंगे
जिसमें लड़की मुजस्मे के आगे है, अमामल जी सर, तो हम दूसरी तस्वीर पे लगाएंगे ठीक, क्योंकि दूसरी उस पे वो सही है। तस्वीर पर ठीक ठीक है आगे। है। असमा का तो फिदल भी मछली डोल में है, पहले वाली तस्वीर पे टिक ठीक है लगाएंगे। अदल्व अलल हौजी डोल वाश बेसन में है, सिंक में है, तो पहले वाली तस्वीर पे टिक लगाएंगे। अल विसादा तू तकिया तख्त तिफली बच्चे के नीचे है, दूसरी तस्वीर पे टिक लगाएंगे। अल कलम फोकस जरफी कलम पेन लिफाफे के ऊपर है, पहले वाली तस्वीर पे टिक लगाएंगे। अजाबी तू ऑफिसर खलफल मकतबी टेबल टेबल के पीछे है, पहले ठीक है आगे वाली तस्वीर। सही है। अगले सफ़ पे तदरीब सानी दा दायरा हौल रमज सऊत लजी तस्मा फ़ी अवल कलीमा, उस हर्फ उस आवाज़ के गिर्द दायरा लगाएं जो आप पहले लफ्ज़ के शुरू में सुने, जो लफ्ज़ के शुरू में सुने इसको छोड़ दें। दा तदरीब सालिस दा दायरा हौल रमज सऊत लजी तस्मा फ़ी आखिर कलीमा, उस आवाज़ के गिर्द दायरा लगाएं जो आप लफ्ज़ के आखिर में सुने इसको भी छोड़ दें। आगे अलवादतुल खामिसा पांचवां यूनिट, इस पे आ जाएं, यहाँ से रीडिंग शुरू कर दें। समकतुन मछली मस्जिद मस्जिदुन मस्जिद यजलिसु वो बैठता है, रासुन सर ठीक है सुंदूकुन सुंदूक हिसानुन घोड़ा मिकसुन ठीक है कैंची कुर्सुन सर, कुर्स का क्या मतलब? कुर्स का ये जो गोली होती है टैबलेट, इसको भी कुर्स कहते हैं, और एक और स्पोर्ट्स के अंदर भी ये इस्तेमाल होती है डिस्क, उसको भी हम कुर्स कहते हैं। तो आप इसका मतलब टैबलेट कर लें, गोली जो हम खाते हैं। आगे फिर वही तदरीब है, दा दायरा इसको भी छोड़ दें, दा दायरा इसको भी छोड़ दें, नहाया कहते हैं आखर को। अगले सफ़े पे आ जाएं, तदरीब सालिस अजीब अनिल असिलती कमा फिस सूर, यहाँ से पढ़ना शुरू करें। ठीक है सवाल का जवाब भी देना है, उसने हमसे कहा इन सवालों के जवाब दें। अजीब अनिल असीलती कमा फिस सूरी, तस्वीरों के मुताबिक सवालों का जवाब दें जी, तस्वीर जो बनी हुई है ना उसके मुताबिक इस सवाल का जवाब दें। ठीक है ठीक है, सर, जरूर का मतलब क्या था? जड़ू का कौन मत का बच्चा? जड़ू का मतलब है पप्पी, कुत्ते का बच्चा। जी सर, अल जरू तख्त अल मकतबी ठीक है आईना सऊ आइन सऊर, बैल किधर है, असौरु इमाम अल मेहरास, बैल हल के आगे है, मेहरासी देख कहाँ है अतीक फोकस ठीक है आईना जाबितू ऑफिसर कहाँ है अजाबितू खलफल मकतबी ठीक है आईना आईना अल मौज केला कहाँ है अल मौज सर, इसका क्या मतलब? फी संदूकी, आइन अल मौज केला कहाँ है या केले कहाँ है, आइन अल मौजू फिल फिस संदूकी,
केले डब्बे के अंदर हैं। अलमौज की संदूक की ऐन अल गजाल हिरन कहाँ है सर इसका कौन हिरन जंगल में है, अलगजाल फिर दगल या अलगजाल फिल गाबा, दोनों जवाब हो सकते हैं। जी आगे उसने तदरीबुल राबिया का क्या मतलब है? जी तदरीबुल राबिया, तदरीबुल राबिया उक्तुब अल जुमल अल लती फी तदरीबुल सालिस, क्या मतलब है इसका? लिखे जुमले लिखे अल्लाह जी तदरीब जो मशक में हमने पढ़े हैं वो वाले जुमले ठीक है, जो मशक में अभी हमने जुमले पढ़े हैं वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है आगे चलें। वादत तो सादी सा, यहाँ से पढ़ना शुरू करें। मेहरास ठीक है, हल नहीं तिमसाल मुजस्मा ये आपने को विसादकुन लगता कोई तकिया गलत हक पेज खोल लिया, जी सर आपने लगता कोई गलत पेज खोला हुआ है। पेज नंबर 24 है सर पीडीएफ के ऊपर। इसके अलवादतु सादिसा लिखा हुआ इस पे। अलस्वातु सहिया, लाम रॉ नून मन अना अंता हुआ हिया माँ हाजा मन हाजा, ये लो पेज है। अलवादतु सादिसा इस पे लिखा हुआ है मोटा सा। अच्छा हाँ, तो आपने एक पेज भी छोड़ दिया है। 28 सफा नंबर पे मैंने ये पढ़े आगे इसी पेज के राइट साइड पे आए तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा लाम, यहाँ से पढ़ना शुरू करें। लिसान कलम, लाम लिखा हुआ यहाँ। ठीक है जी सर सही है, यहाँ से पढ़ें। लिसान जुबान कलमुन कलम यदखुलु वो दाखिल होता है खिलाल ठीक है जान रजुलुन आदमी यरकबू वो सवार होता है नमीर ठीक है। सर नमीर जैगुअर टाइगर, लेपर्ड, सर क्या लेपर्ड, लेपर्ड होते हैं ना अफ्रीका के जंगलों में, उसको हम कहते हैं नमीर। तेंदुआ, सही समझ नहीं आई आवाज नहीं क्लियर आई नमीर कहते हैं लेपर्ड को, उर्दू में हम इसको तेंदुआ कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लेपर्ड, LEAPORD लेपर्ड, सर उर्दू में क्या कहते हैं तेंदुआ। उर्दू में इसको तेंदुआ कहते हैं। समझ नहीं आई आगे जी बढ़ती हूँ गूगल पे, गूगल इमेज सर्च करना ना, नमिल लिखे तो उसकी तस्वीरें आ जाएंगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। जी सर सौरुन बैल ठीक है। नुकुद पैसे मिंदील रुमाल सिनुन दांत असनान जमा इसकी ज्यादा दांत ठीक है आगे। तदरीब सालिस उक्तुब अल कलिमात अल आतिया, क्या मतलब है इसका? दिए गए कलिमात को लिखें ठीक है आप इनकी रीडिंग कर लें। मेहरास हल तिमसान मुजस्मा विसादतुन तकिया हबलुन रस्सी जरू दोका बच्चा जाबितुन ऑफिसर मकतबुन टेबल किदातुन बिल्लियां यजहकु वो हंस रहा है सफीनातुन कश्ती बहरी जहाज, अमसाल सफीना बहरी जहाज। सफीना तुन बहरी जहाज अमशाद कंगिया सयारा तुन गाड़ी जरफुन खत का लिफाफा हदीका तुन बाग मिकसुन कैंची ठीक है आ गया। तदरीबु राबिया अजीब अनिल असिलत लती ताहत सूरी, क्या मतलब है इसका?
तस्वीरों के नीचे जो दिए गए सवालों के जवाब दें जो तस्वीरों के नीचे हैं, ठीक लिखे हुए है, हैं सवाल। सही है। तो माँ हाजा, ये क्या है? हाजा कलमुन, ये कलम है। पेन है। हल हाजा जाबितुन, ला हाजा लिसानुन। ठीक माँ है, हाजा, हाजा हिलालुन, हल हाजा नामिरुन, नाम हाजा नामिरुन। माँ हाजा, हाजा सौरुन, हल हाजा मिंदीलुन, नाम हाजा मिंदीलुन। माँ हाजी ही नुकूदुन, हल हाजी ही सिन्नुन, नाम हाजी ही सिन्नुन। माँ हाजी ही असनान। ठीक है। आगे मन अना, अना कमाल, मैं कमाल हूँ। मैं कौन हूँ? मन अना, अना कमाल, मैं कमाल हूँ। मन अंता, आप कौन हो? अना समीर, मैं समीर हूँ। अना कमाल, मैं कमाल हूँ। मन अंती, आप कौन हो? ये मोनस के लिए। अना लैला, मैं लैला हूँ। अना कमाल, मैं कमाल हूँ। मन हुआ, वो कौन है? हुआ हसन, वो हसन है। अना कमाल, मैं कमाल हूँ। मन हिया, वो कौन कौन है? हिया समीरा, वो समीरा है। ठीक है। आगे तदरीबुल खामिस, इख्तर इस्तिफहामिल मुनासिबती लिसुवरती। जी, ठीक है। मुनासिब तस्वीरों में से मुनासिब सवालिया जुमलों को चुने। ठीक है, यानी कि हमने मुनासिब इस्तफामिया अदा जिनमें से लगानी है। यानी हाल में इन्होंने दो दी हुई हमें इस्तफामिया, एक मन दिया हुआ, दूसरा माँ दिया हुआ है। तो हमने इनमें से एक चूज़ करना है। तो तस्वीर के हिसाब से आप चूज़ करें। मन हाजा, मन कोई भी नाम ले लें, हाजी ही। ठीक है। मन हाजा, फिर सर आगे जवाब भी दूं? जी जी जवाब भी दें। सर। मन हाजा, हाजा रजुलुन, ठीक है, माँ हाजी ही कित्तातुन, ठीक है, मन हाजी ही इमरातुन, ठीक है, मन अंता। ठीक है। अना सलीम, अना साथ, कोई भी नाम बंदा ले सकता है। ठीक, मन अना अंत, कमाल, मन अंता, आप कौन हैं? अना कमाल, मैं कमाल हूँ। अना कमाल, माँ हाजी ही सफीनत, ठीक है, माँ हाजा, हाजा मिंदील, हाजा सरीरुन, सरीर। हाजा सरीरुन। आज के लिए फिर इतना बहुत है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर शमसुन, बस आज के लिए इतना बहुत है, सर पढ़ो। बस आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह अलवादुल साबिया पढ़ेंगे। पीडीएफ के ऊपर पेज नंबर 27 है, ये पेज नंबर आप नोट कर लें। वीडियो को मैं यूट्यूब पर चढ़ा दूंगा, वहाँ पर इसको लाइक कर देना। ठीक है, फिर।